जैसा कि हम लोग स्ट्रेन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम लोग स्ट्रेन को मज़ीद डिटेल वे में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी आखिर है क्या। स्ट्रेन एनर्जी को बेहतर वे में समझने के लिए हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जो कि आप आसानी से घरों में भी कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें कि आप स्ट्रेन को देखना चाहें, स्ट्रेन एनर्जी को, तो आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो बाकायदा घर में कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आपके पास एक रोड है, आपको एक रोड की ज़रूरत होगी। इस रोड के ऊपर आप डिफरेंट कलर्स के और एक ही मटेरियल के बने हुए थ्रेड या स्ट्रिंग्स वगैरह इस्तेमाल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ही मटेरियल के बने हुए जो हैं वो चार थ्रेड इस्तेमाल कर लेती हूँ, और उन चारों थ्रेड के साथ जो है एक ही मटेरियल की बनी हुई बॉब या बॉल इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये हमारा सेकंड स्ट्रिंग रहा, और इसके साथ भी एक बॉल अटैच कर दी। सिमिलरली ये हम लोग एक मज़ीद स्ट्रिंग ले लेते हैं, और इसी तरह एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये स्ट्रिंग हम लोगों ने एक और ले लिया ताकि हमें इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से समझा जा सके। इसे फिगर ए का नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास बॉल ए है, ये बॉल सेकेंड, ये बॉल थर्ड एंड ये बॉल फोर्थ। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ही मटेरियल के बनी हुई सब ये सिमिलरली एक मटेरियल है, यानी कि थ्रेड एक मटेरियल से बने हुए हैं और बॉल एक ही मटेरियल से बनी हुई हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फ़र्क सिर्फ हम लोग ये डाल रहे हैं कि हम इन बॉडीज़ के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करके ये देखेंगे कि फोर्स के चेंज होने से इनके अंदर जो है कितनी इलोंगेशन प्रोड्यूस होती है, मतलब कि इनके अंदर कितनी स्ट्रेन आती है। आपको मालूम है कि स्ट्रेन जो है किसी भी चीज़ की शेप में हो सकती है, उसकी वॉल्यूम में हो सकती है, और उसकी लेंथ में हो सकती है। यहाँ चूँकि हम स्ट्रिंग को खींचेंगे या हो सकता है स्ट्रिंग को कंप्रेस करें, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर चेंज आएगा। वो चेंज इंक्रीज की सूरत में भी आ सकता है और डिक्रीज की सूरत में भी, यानी कि इसके अंदर कंप्रेशन और जो है हमारे पास एक्सपेंशन, दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इसका मतलब है इनके अंदर जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसके ऊपर जो है ये बॉल वन के ऊपर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करती हूँ। तो चूंकि मैं फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। इसके अंदर जो है कंप्रेशन आ रहा है, मतलब कि इसके अंदर इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर टेंसाइल जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि टेंसाइल लेंथ से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसे मैं टेंसाइल स्ट्रेन कहूँगी। जैसे ही आप 2 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या चेंज आता है। फॉर एग्जांपल कि ये फिगर बी है, इस फिगर के ऊपर ये रोड है, इसे थोड़ा सा सही करके सीधा सा बना लेते हैं। आई ट्राई कि मेरे से सही बन जाए। इस तरीके से ये हमारे पास रोड है। तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है कि इसकी लेंथ के अंदर चेंज आ जाता है, यानी कि स्ट्रिंग नीचे की तरफ खींचा चला आता है, और ये जो है इसकी लेंथ में डेल्टा एल इंक्रीज आता है। ये डेल्टा एल कह लें या इसी सिंपल L1 कह लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये L1 इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज आ जाता है। अगर मैं इस फोर्स को छोड़ दूँ, ये इसकी मेन पोजीशन हुई ना, जहाँ पर हमारी सारी की सारी बॉल जो है वो स्टेबल हैं या वहाँ पर स्टॉप की हुई हैं। अगर तो कोई जिस्म या कोई भी बॉडी जिसके ऊपर से फोर्स हटाई जाए और वो वापस अपनी मेन पोजीशन अटेन कर ले, तो हम कहते हैं कि उस मटेरियल के अंदर जो है इलास्टिसिटी पाई जाती है, या इलास्टिसिटी पाई जाती है। और अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में रिलेशन भी उस सूरत में डायरेक्ट हो, तो हम कहते हैं हुक्स लॉ बिहेवियर कर रहा है। अभी हम हुक्स लॉ की बात नहीं करते, हम सिर्फ जस्ट जिसकी ना मेन पोजीशन पर इलास्टिसिटी की बात करते हैं। अगर फोर्स के हटाने से ये दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए, तो मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर इलास्टिसिटी है। इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने रॉड के साथ कोई ऐसा मटेरियल बांधा है, जैसे कि रबड़ होती है, जैसे इलास्टिक होता है, जिनके अंदर ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती हो, तो क्या होता है उसके साथ जब आप बॉल को खींच कर बॉल को बांध के खींचते हैं, तो उसको छोड़ते हैं, जब तो वो वापस हमेशा अपनी मेन पोजिशन पर जाता है। सिमिलरली ये वाला काम यहाँ पर भी होगा अगर आप इलास्टिक वाला मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इलास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या ब्रिटल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैं इस बॉल सेकंड पे एक फोर्स लगाऊं और वो फोर्स उसका मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, यहाँ पे 2 था तो सेकंड वाली पे फॉर एग्जांपल मैंने 4 न्यूटन अप्लाई कर दिया, तो 4 न्यूटन अप्लाई करने से क्या होगा कि इसकी लेंथ में पहले वाली लेंथ से भी ज़्यादा इंक्रीज प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाएगी। इसे मैं L2 कह देती हूँ। सिमिलरली जब बॉल 3 की बारी आती है, तो उसके ऊपर भी मैं फोर्स अप्लाई करूँगी बॉल 3 के ऊपर, और इस फोर्स की भी मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है मुझे चेंज करना पड़ेगी। उसे मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है। तो 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से
यहाँ पर जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होगी, जो स्ट्रेन इसके अंदर आएगी, वो पहली वाली दोनों बॉल्स की निस्बत ज़्यादा होगी, इसे हम लोग L3 कह लेते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रिंग बचा है, अब उसे भी हम लोगों ने उसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़रा थोड़ा पहले वाला से हट के कर लूँ, मैं ऐसा कर देती हूँ कि यहाँ पर मैं 9 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर देती हूँ, तो 9 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि अलोंगेशन जो है इसके अंदर जो स्ट्रेन है वो भी प्रोड्यूस होगी, इसकी लेंथ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। उसे मैं इस तरह से कह देती हूँ कि वो पहली वाली 3 से ज़्यादा आएगा, तो इसे हम लोग L4 कह देते हैं। जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल यूज़ करते हैं ना, तो डक्टाइल मटेरियल में आपको मालूम है कि प्लास्टिक इलास्टिसिटी के बाद जो है प्लास्टिसिटी भी आती है, यानी कि उसके अंदर प्लास्टिक रिजन आता है। हो सकता है कि पहली दोनों बॉल जो है वो इलास्टिक रेंज के अंदर आ रही हों, लेकिन जो तीसरी वाली है, जैसे ही मैं इसके ऊपर से फोर्स हटाऊँ, तो हो सकता है कि ये अपनी मेन पोजिशन पर वापस ना आ जाए, और फोर्थ वाली तो बिल्कुल ही वापस ना जाए। 3 वाली थोड़ी सी जा सकती है और फोर्थ वाली हो सकता है बिल्कुल ही ना जाए। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आया कि आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रिटल इस्तेमाल कर रहे हैं या डक्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है इनके अंदर जो है चेंज इन लेंथ आई है, यानी कि स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है इन स्ट्रिंग्स के अंदर। अब अगर मैं इस चीज़ को ग्राफिकली भी देखना चाहूँ कि जितनी जितनी मैंने फोर्स अप्लाई की है, उससे जितना जितना डेल्टा एल इंक्रीज़ हुआ है, जितना इनकी लेंथ के अंदर इंक्रीज़ आया है, उसका ट्रेंड क्या है, तो मैं उसे आसानी से देख सकती हूँ इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हम लोग ले लेते हैं जी हमारा ग्राफ है, और इस ग्राफ के ऊपर अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लोग अपनी फोर्स ले लेते हैं, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लोग कह लेते हैं कि ये हमारा डेल्टा एल है, यानी कि जितनी भी हमारे एलोंगेशन या उसके अंदर जितनी भी स्ट्रेन, जितनी भी चेंज इन लेंथ आई है, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं, उसे हम लोग इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो अब क्या होता है कि फोर्स की जो हमारी वैल्यूज़ थी वो तकरीबन इस तरह थी, 0 0 तो तब थी ना जब मेन पोजिशन पे थी, कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई की। आफ्टर डैट हम लोगों ने 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, फिर हम लोगों ने 4 न्यूटन की अप्लाई की, फिर 6 न्यूटन की, और फिर 10 न्यूटन, लेकिन हम 8 न्यूटन आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे क्योंकि ग्राफ का स्केल इस तरह से सेट करना पड़ेगा ना, और यहाँ पर हमारे पास 10 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा एल में जो हमारे पास चेंज आया वो कुछ इस तरीके से था कि पहले को हम लोगों ने L1 कहा, फिर L2, फिर L3 और फिर L4। इसे आप कुछ वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, आप मेजर भी कर सकते हैं कि पहले कितनी लेंथ थी अब कितनी लेंथ हुई है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़रा आसानी के लिए समझाने के लिए L1, L2, L3 और L4 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसा कि जब आपने 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो आपको मालूम है कि जो स्ट्रिंग के अंदर चेंज आया था उसे हम लोगों ने L1 कहा। इसी तरह जब 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की तो L2 आ गया। जब 3 न्यूटन की अप्लाई की तब 6 न्यूटन की अप्लाई की तब हमारे पास L3 आ गया। और जब हम लोगों ने 9 न्यूटन की अप्लाई की, मतलब कि 8 और 10 के थोड़ा सा दरमियान में इस तरीके से, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं कि हम एक स्केल से जब इन्हें ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कि ये शो करती है कि जितनी जितनी हम लोग फोर्स अप्लाई करते चले जा रहे थे, उतना उतना ही उसके अंदर जो है इंक्रीज इन लेंथ प्रोड्यूस होता चला जा रहा था। अब आपको मालूम है ना कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने से उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज प्रोड्यूस हो, वो कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करे, तो हम कहते हैं कि जिस बॉडी के अंदर वर्क हो रहा है, मतलब किसके अंदर एनर्जी आ रही है, वर्क डन कर रहा है वो, जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 Book 1 में पढ़ा था। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इन मटेरियल्स, इन बॉल्स के ऊपर होने वाले वर्क डन को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैं वो वर्क डन इस तरह से फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, आपको मालूम है कि F×D होता है, उस तरीके से हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। यहाँ पर डी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई की थी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इलांगेशन प्रोड्यूस हुई थी, जिसे मैं डेल्टा एल कह सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब आपने फोर्स लगाई थी तो आपको याद है कि शुरू में वो मेन पोजीशन पे थी, कोई फोर्स नहीं आपने अप्लाई की, फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप अपनी फोर्स बढ़ाते चले गए, यानी कि आप मिनिमम फोर्स से जैसे जैसे मैक्सिमम फोर्स पर जाते चले गए, उसी तरीके से आपके अंदर जो है डेल्टा एल भी बढ़ता चला गया। तो मैं यहाँ पे एफ को सिंपली एफ नहीं ले सकती, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि एफ मैंने मिनिमम एफ से स्टार्ट की थी और मैं उसके बाद मैक्सिमम एफ तक गई, और इन दोनों का जो एवरेज है वो मैं फोर्स में इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये जो मिनिमम थी ये स्टार्टिंग में हमारी बिल्कुल 0 थी, सबसे कम जो फोर्स है वो 0 ही है, और सबसे मैक्सिमम फोर्स जो है वो सॉरी यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई नहीं बल्कि यहाँ पे एडिशन का साइन आना चाहिए, क्योंकि एवरेज में एडिशन का साइन आता है। तो अब यहाँ पर जो एफ मैक्सिमम है
वो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है, यानी कि जीरो प्लस एफ मैक्सिमम जो भी आपके पास फोर्स होगी डिवाइडेड बाय टू इंटू डेल्टा, जितनी भी उसके अंदर इलोंगेशन प्रोड्यूस हुई है या जितना भी उसके अंदर चेंज इन लेंथ आया है। तो ये वर्क डन आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वन बाय टू एफ इंटू डेल्टा एन। आपको मालूम है कि जो वर्क डन होता है वो एनर्जी की ही, जो एनर्जी है वो वर्क डन की ही एक फॉर्म होती है, यानी एनर्जी और वर्क दोनों को आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो क्यों ना मैं इसे यू से रिप्रेजेंट कर दूँ, यू बेसिकली एनर्जी के लिए लिखा जाता है। तो जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसे हम लोग वन बाय टू एफ इंटू डेल्टा एल कह सकते हैं। इसे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है कि किसी भी चीज़ की लेंथ के अंदर, उसकी शेप या वॉल्यूम के अंदर अगर इंक्रीज आ जाए तो उस इंक्रीज को हम कहते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो वर्क इस सेंस में हो रहा है कि उस चीज़ की लेंथ के अंदर इंक्रीज आ रहा है। तो लेंथ के अंदर इंक्रीज आते आते उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई उस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये स्ट्रेन एनर्जी है। दूसरा तरीका स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करने का ये भी है कि आपको मालूम है कि आपने ट्रायंगल का मेथड पढ़ा है, फोर्थ चैप्टर में ही आप लोगों ने देखा था कि अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो आप कहते थे कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो वर्क डन होता है। अगर मैं किसी भी जगह स्लोप बना लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये छोटी स्लोप बना लूँ या मैं इसे इस तरह से बड़ा कर लूँ कि सारा ग्राफ जो है कवर हो जाए, तो मैं इसे इस तरह से कह सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे ले लूँगी इस और इस चीज़ को भी यहाँ पे स्लोप ले लेती फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो स्लोप है इसे भी मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकती हूँ। और अगर मैं फोर्थ चैप्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ जो कि एरिया अंडर द ग्राफ है, ये सारा का सारा रीजन, तो इस सारे के सारे रीजन में जो वर्क डन होता है वो वन बाय टू या जो उसकी बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का एरिया, इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है ना कि वर्क डन बराबर है एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है और ट्राइंगल के एरिया को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये वन बाय टू बेस इंटू हाइट है। तो यहाँ पे जो मेरे पास बेस है वो डेल्टा एल है और जो हाइट है ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में वो एफ है, तो ये वन बाय टू इंटू एफ आ जाता है। तो ये वर्क डन जो है हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ इस ग्राफ में जो जितना भी एरिया आता है वो एक ट्राइंगुलर फॉर्म है और ट्राइंगुलर का जो एरिया होता है वो वर्क डन के बराबर है। और ट्राइंगल यहाँ पे देखना चाहिए, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया जो कि वन बाय टू बेस इंटू हाइट होता है, तो ये वन बाय टू एफ इंटू डेल्टा एल आ गया। तो इन दोनों मेथड से जो है आप स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी आ गई है। अगर इसे दूसरे तरीके से इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आपको मालूम है कि फिजिक्स में हम एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ जो है वो रिप्लेस करते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि आया कि ये चीज़ रिप्लेस करने से क्या रिजल्ट आएगा और ये चीज़ रिप्लेस करने से क्या रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कह देती हूँ कि अगर मैं इस डेल्टा एल की जगह अगर मैं यंग्स मॉडुलस पुट कर लूँ तो मेरे पास जो स्ट्रेन एनर्जी है वो किस फॉर्म में बनेंगी। तो उसे मैं इस तरीके से देख सकती हूँ कि जो मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी और जो मेरे पास यंग्स मॉडुलस होता है वो हमारे पास होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये हमारी स्ट्रेस रही और ये हमारी स्ट्रेन। और हमें मालूम है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों केसेस में टेंसाइल है, तो मैं इसे लिख देती हूँ टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है हमेशा फोर्स डिवाइडेड बाय ए है, यानी कि कोई ना कोई फोर्स जो किसी यूनिट एरिया पर लगे, बॉल हमारे पास कोई ना कोई यूनिट एरिया ही था ना, किसी बॉल का कोई एरिया ही था उसके ऊपर ये फोर्स लग रही थी तो स्ट्रेस लग रही थी और इस स्ट्रेस के लगने से जो है इसके अंदर इंक्रीज आ रहा था। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस के लगने से इसके अंदर इतना इंक्रीज आ रहा था, यानी कि इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही थी, जिसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मेरा वाई जो है एफ इन डिवाइडेड बाई ए इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल आ जाएगा। और मैंने बात ये की है अभी कि अगर हम डेल्टा एल को रिप्लेस कर दें वाई से तो ये डेल्टा एल रहा और एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई, यानी कि सिर्फ वाई और डेल्टा एल को आपस में रिप्लेस कर दो और ये वाली जो वैल्यू है बी, इस इक्वेशन को कह देती है कि ये बी है, इसे हम लोग अपनी इक्वेशन ए में बुक कर देते हैं जो कि हमारे पास क्या थी, यू इज इक्वल टू वन बाय टू एफ इंटू डेल्टा एल। तो क्यों ना यहाँ पे मैं डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दूँ, तो अगर मैं डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर ही दूँ तो यहाँ पे एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई आ जाता है विच बिकम्स वन बाय टू एफ स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ए वाई। तो अगर आपको कभी डेल्टा एल ना दिया हो, यानी कि आपको ये बताया ही ना जाए कि आपकी स्ट्रेन कितनी, आपकी जो इलोंगेशन है वो कितनी आई है, कितना इंक्रीज इन लेंथ आया है, बस आपसे ये कह दिया जाए कि जी आपको यंग्स मॉडुलस दे रहे हैं हम और आप बस इस मटेरियल की स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करके बताएं, तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर वाई आपको गिवन हो तब भी, और अगर डेल्टा एल आपको गिवन हो तब भी। तो ये स्ट्रेन एनर्जी के कुछ फॉर्म्स हैं कि हम किस तरह से किसी भी मटेरियल की स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देख सकते हैं, हम एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं जिसे हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, यानी कि एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किस चीज़ की? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी में से होता क्या है? डेंसिटी है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की एनर्जी गिवन है और उसे उस चीज़ की एनर्जी को आप उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाता है। जिसे आप एनर्जी है जिसे बेसिकली यू से रिप्रेजेंट कर दें ताकि आसानी रहे, तो ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये भी पता है कि जो वॉल्यूम है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, या आप वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एरिया के इक्वल है, तो एरिया इंटू लेंथ भी आपके पास जो है वो वॉल्यूम के इक्वल आ जाती है। अगर मैं इस एनर्जी डेंसिटी यानी कि स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी की ही बात करूँ तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी की जो एनर्जी है वो 1/2 F इंटू डेल्टा एल है, ये इसकी स्ट्रेन एनर्जी है। और जो वॉल्यूम होगा उस बॉडी का जिसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ए इंटू एल होगा। जाहिर सी बात, उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, उसका कोई ना कोई एरिया होगा, जो मिला के उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनता होगा। तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ। अब बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला तो निकल आया है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि फिजिक्स में हम हर चीज़ को बहुत ही सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इजीली चीज़ों को सॉल्व कर सकें, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो क्यों ना यहाँ पर भी मज़ीद सिंपल कर लें, कोई ऐसी फॉर्म ले आएँ जिसमें बस दो तीन डिजिट्स हों, दो तीन जो है वो फंक्शन हो, कि इजीली हम जो है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी जो है कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग जो है फोर्स और डेल्टा एल दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। चूँकि एल तो हमारे पास सिंपल है और ए भी सिंपल है, एरिया और एल तो हमें रिक्वायर्ड होगा, मसला एफ और डेल्टा एल का है। अगर मैं फोर्स को देखूं जो हमारा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस हमेशा इस तरह से जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी कि फोर्स जो है पर यूनिट एरिया पे जब भी अप्लाई हो तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारी स्ट्रेस है। तो अगर मैं फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो ये सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँ तो स्ट्रेन होता है हमारे पास एप्साई इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अगर यहाँ से मैं डेल्टा एल के लिए रिलेशनशिप निकालना चाहूँ, ये एप्साई इंटू एल के इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो इन दोनों वैल्यूज़ ए और बी को अगर मैं इस इक्वेशन सी के अंदर पुट कर दूँ तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1/2 आपकी जगह अगर हम लोग सिग्मा ई लगा दें, और डेल्टा एल की जगह अगर मैं यहाँ पर एप्साई एल लगा दूँ और ए और एल नीचे ऐसे ही डिवाइड हो रहा है। अब इस चीज़ को हमने किया क्यों? इस चीज़ को हमने इसलिए किया है ताकि हम एरिया को एरिया से, लेंथ को लेंथ से कैंसिल कर दें और इजी फॉर्म 1/2 एप्साई इंटू सिग्मा में अपनी एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर लें। अब आप देखिए इस तरह से एनर्जी डेंसिटी निकालना कितना ईजी है एज़ कम्पेयर कि आप एफ की भी वैल्यू डालते, डेल्टा एल की भी, एरिया की भी और एल की भी। तो इस तरीके से हम लोग अगर इनकी वैल्यूज डाल के इस तरह सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए जो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस चीज़ को आप बकायदा अपने घरों में भी करके देख सकते हैं, या आप अपनी लैब में या किसी भी जगह एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन आपस में जो है वो रिलेटेड है, और किस तरह से किसी बॉडी के अंदर जो है स्ट्रेन एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है, यानी कि जब भी उसके अंदर फोर्स लगे, उस पर काम हो किसी भी बॉडी के अंदर, उसके अंदर डेल्टा एल प्रोड्यूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी उस बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो रही है, यूज़ हो रही है। तो वो जो एनर्जी होती है उसे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ये स्ट्रेन एनर्जी के बारे में था, होप सो आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ वॉल्स इस्तेमाल करें, आप किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी के बारे में देखना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप देखना है, फोर्स का डेल्टा एल के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, क्या ट्रेंड आ रहा है, आपको उस चीज़ को देखना है। तो आप कोई भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ब्रिटल भी हो सकता है और डक्टाइल भी, बस उनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करेंगी, उनका ग्राफ वेरी करेगा।